तो दोस्तों आ चुके हैं कुल मिला के कौर नई वीडियो लेके। तो आज की वीडियो ये है कि स्क्रिम्स होने वाली है। तो स्क्रिम्स में जो कि आप देखते हो कि नॉर्मल से और अभी से स्क्रिम्स में बहुत अंतर होता है, ठीक है ना। नॉर्मल मैच में क्या है कि आपके पास बॉट आएंगे, लेकिन उसमें क्या है कि आपके पास बंदे बहुत आएंगे। अब होता क्या है कि यहाँ पर मेरा बनता है कि बग्गी खड़ी होती है नीचे। तो बग्गी में होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि दो लोग यहाँ लूटेंगे और दो लोग जाके पहले मिल्टा वापस जाएंगे, लेकिन होता क्या हमारा बीच में प्लान बदल जाता है। हम लोग ये सोचते हैं कि जोन की एज में चला जाए, तभी मेरा टीम बोलता है अरे यार कोई देखो यार कुछ है। तो हम लोग सोचा चलो प्रिजन चला जाए, प्रिजन में लूट करी जाएगी। तभी बीच में हमको याद आता है कि जब मैंने देखा प्लेन पाथ, तो मैंने कहा अपने टीम मेट से कि क्यों ना जोरजो चला जाए। तो उस टाइम मेरा दोस्त बोलता है टीम मेट कि जोरजो जाओगे तो बंदे होंगे वहाँ पे, तो प्रिजन ही देख लिया जाए। अब होता क्या है कि आपको ये गैस करना है कि अभी हमारे दो टीममेट मरने वाले हैं। अब दो में कौन हो सकते हैं, या फिर मैं हो सकता हूँ और या फिर वो दो जो कि मिल्टा में उतरे। लक अच्छा था कि यहाँ पे बंदे नहीं थे, हम लोगों ने लूट लाट की। अब यहीं से हम लोग का होता है शुरू बुरा वक्त, ठीक है ना। आपको देखने को मिली इंटेंस फाइट, क्योंकि देखो होता क्या है कि नॉर्मल क्लासेस से लेके स्क्रीम्स क्लासेस में बहुत अंतर होता है। इसमें बंदे बहुत आते हैं, आपको लास्ट के जोन में 30-30 बंदे अलाइव दिखेंगे। वहीं होता है कि जो हमारा पहला टीममेट होता है वो नॉक फिनिश हो जाता है। अब थी दूसरे की, अब तो आपको मतलब कि मालूम ही पड़ गया होगा कि दूसरा कौन होगा। जी हाँ, दूसरा है हमारा प्राइवेट मुकुल भैया। अब होता है कि यहाँ पे उनकी भी अर्थी उठने वाली थी, यानी कि वो भी नॉक फिनिश होने वाले थे। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास पुश हो गया दो बंदों का, वो भी। अब जैसे ही हम यहाँ पे लूट कर रहे थे तभी हमारे नॉक हो जाते हैं और फिनिश हो जाते हैं। अब होता क्या है कि जो मेरा लीडर है जिसकी क्लैन है हर्ष की, तो वहाँ पे बताना जरूरी था। अब होता क्या है कि पूरा ये मैच पहले हम लोगों ने सोचा था कि 15+ किल्स निकालेंगे, लेकिन जैसे ही ये दो मरे तो हम लोगों ने छोड़ ही दिया कि हम लोग के निकलेंगे। अब पूरा मैच मेरे अंडर में था, हम दोनों के अंडर में था। तो हम लोगों ने उठाई यहाँ से बग्गी और यहाँ से निकले। हम निकलते लगे, हमने ये सोचा कि जोन की एच में चला जाए। तो जो आपने देखा होगा जो शेल्टर के पास एक बिल्डिंग पड़ती है, तो हम लोग वहीं गए, वहाँ पे थोड़ा लूट लट किया। देन उसके बाद आगे देखिए फिर होता क्या है। अब जो कि हमारे टीम मेट थे वो तो फुल मजे ले रहे थे पीछे बैठ के। अब जैसे कि हमने बताया था कि घर में वेट करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं। अभी तो हमारे पास लूट नहीं थी, क्योंकि आप जानते हो कि प्रिजन में इतनी लूट नहीं मिलती है। तो वहीं पे हम लोग यहाँ पे देखने आए थे कि कोई लूट वूट हो। ज़्यादा कुछ खास मिला नहीं, लेकिन हाँ एनर्जी ड्रिंक, स्मोक्स और एक्सेट्रा चीज़ें मिल गई। अब हम यहाँ से उठाते हैं बग्गी और चलते हैं अगली प्लेस में। अब जैसे देखो हम लोग जैसे यहाँ पे आते हैं, तो हम लोग को लगता है कि यहाँ पे मेरा टीम बोलता है टीममेट कि पहाड़ में बंदे हैं। तो मैं अंदर जाता हूँ और जब अंदर मैं देखता हूँ कि पहाड़ कहाँ पे है, तो यार मेरे को पहाड़ दिखते ही नहीं है, मेरे को झाड़ियाँ दिख रही हैं। और मेरा टीममेट बार बार बोलता है कि पहाड़ में बंदे हैं, पहाड़ में बंदे हैं। तो फिलहाल हमको यहाँ बंदे दिखे नहीं थे, तो हम लोगों ने सोचा यहाँ से उठाते हैं और अपनी कोई नई प्लेस ढूंढते हैं, क्योंकि जोन शिफ्ट होने वाला था। तो जैसे ही हम लोग यहाँ से निकले, अभी तो फ्यूल भर रहे थे क्योंकि फ्यूल ख़त्म हो गया था, क्योंकि टूर्नामेंट में गाड़ी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब जैसे ही यहाँ से निकलते हैं, अब देखो क्या होता है हमारे साथ। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या। जैसे ही हम लोग वहां से निकले थे तो एकदम फायरिंग होने लगी थी। हमारा प्लान था कि जोरजो चला जाए, लेकिन जोरजो में वहां बंदे थे, उन्होंने फायरिंग की। अब जल्दी जल्दी में क्या हुआ कि मैं लगा रहा था फर्स्ट एड। अब आपको पता है कि गाड़ी में जाते टाइम फर्स्ट एड नहीं लगती है,
और वही चीज़ हमारे साथ हुई। मैं फर्स्ट एड लगा रहा, नहीं लग रही, बैंडेज लगा रहा, उतने में कोई दिमाग काम ही नहीं कर रहा, जो मेरी पड़ी ना कान में घट घट करके, तो मैंने जल्दी जल्दी सीट चेंज करी, जैसे तैसे करके यहाँ पे आए। अब पूरी चीज़ यहीं पे होती है, जो मेरी इंस्टेंट फाइट जितनी भी चीज़ें यहीं पे। अब आपको पता है ना कि रुइंस के पास एक ऐसा घर है कि यहाँ पे नीचे कारखाना चल कर रहता है, ठीक है, बेसमेंट। अब जैसे कि होता है कि बाहर से होती है फायरिंग, तो हम लोग बाहर जाते हैं देखने के लिए कि कहाँ से फायरिंग हो रही है। तो जैसे मैं यहाँ उतरते हैं तो मेरे कान के पास से बुलेट्स निकलती हैं। अब मेरे को तैयार मालूम नहीं था कहाँ से पड़ रही हैं, मैंने देखा भी, मेरे को कोई दिखा नहीं, लेकिन बुलेट्स तब भी पड़ रही जैसे कि ये पड़ी। तो मैंने सोचा कि एंगल चेंज करके देखा जाए। तो जैसे ही हम लोग मतलब कि यहाँ पर मैंने थोड़ी हेल्थ वेल्थ लगाई और जैसे ही मैं उस तरफ गया तो मेरे को एक गाड़ी स्पॉट होती है। अब जैसे पहाड़ में आप देख सकते हो कि गाड़ी स्पोर्ट तो हो गई है, लेकिन जैसे ही मैंने अपना स्मोक मतलब कि सॉरी स्कोप ऑन किया तो मेरे को बंदे वहाँ नहीं दिख रहे थे। तभी आती हैं पीछे से बग्गियाँ। अब जैसे कि एक बग्गी गई तो हम लोगों ने सोचा कि इस पर रस किया जाए। अब जैसे ही इस पर रस करने जाते हैं फिर देखो होता क्या है। तभी तुरंत इसका बंदा पीछे से बग्गी लेके आता है। अब हम लोग क्या है कि हम लोगों ने सुना कि हम लोग दोनों तरफ से गिर चुके हैं, क्योंकि इनका एक ऐसा प्लान था कि बाहर से एक पहले एक बंदा लेके जाएगा, माइंड डिस्ट्रैक्ट करेगा, देन दूसरा बंदा आएगा पीछे से। हुआ ही चीज़ हुई, तो मैं तो भाग के अपना यहाँ पे आ गया, लेकिन जो मेरा टीम मेट था वो बाहर ही फंस गया। मैं जाता हूँ बाहर, लेकिन भाई इतनी फायरिंग हो रही थी बाहर कि मेरे कुछ मालूम ही नहीं पड़ा कि कर क्या सकते हैं। अब जैसे कि मेरे 4 नंबर को डैमेज पड़ा तो वो भी भाग के नीचे आ गया। तो हम लोगों ने कर लिया था कि सामने वाला रूम मेरा है, मेरा वाला रूम तेरा है। अब भाई देखो नेट कितने होते हैं यहाँ पे। भाई साहब दे नेट, दे नेट। तो हमने प्लान बदला कि हम थोड़ा पोजीशन बदलते हैं, लेकिन जो मेरा टीम मेट था तो वो करता है मोली, लेकिन मोली मेरे हो जाती है। तभी देखो होता क्या है। अब आप इंजॉय करो, बस लास्ट में मिलते हैं कि लास्ट में ये सब हुआ क्या। अब हुआ क्या कि मैंने एक बंदे को नॉक किया, तुरंत फिनिश कर दिया, उसी में मेरा टीममेट भी नॉक हो गया। अब इतना मेरे को ध्यान नहीं था कि मेरा टीममेट भी नॉक है, तो मैंने उस तरह ध्यान नहीं दिया और वहीं पे हम मर गए।